देखें ये जो इस वक्त हमें मलबा नजर आ रहा है, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। ऐसा मुल्क है जो हमने नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया था और हम उन लोगों के वारिस हैं जिन्होंने शब्बर में मस्जिद बनाई थी। हम उन लोगों के वारिस हैं जिन्होंने अपनी तहजीब और अपने नजरिए को बचाने के लिए लाखों की तादाद में अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। और आज हमारे साथ ये सलूक हुआ है कि हमारी जिंदगियों में, हमारी मौजूदगी में, हमारे इस मस्जिद को, अल्लाह के घर को उन लोगों ने आकर मिसमार कर दिया कि जो बज़ाहिर कलमा गो हैं। इस नक्शे के मुताबिक मस्जिद इस पार्क में मौजूद है और जब ये मस्जिद इस जगह पे तामीर हुई है, नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में बाकायदा एक कमेटी बनी और इस कमेटी ने इस मस्जिद को लेजिटिमेट भी किया और इसकी तौसी के हवाले से भी चीजें हुई। जब ये बिल्कुल इस तरीके से मौजूद है, अव्वल तो ये है कि इतनी बड़ी जगह किसी जगह पे मौजूद हो और उस पर अल्लाह का घर ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है मुसलमानों की आबादी में। कुछ ये कि इतने बड़े हिल पार्क पे कोई मस्जिद ना हो, और जब मस्जिद बन गई है और इसकी ये कानूनी हैसियत मुख्तलिफ अदबार में होती रही है, तो इसको आकर जो है इस बुनियाद पे के तजावुजात है, तुम्हें कोई तजावुजात नजर नहीं आती जो मेयर साहब अपने जमाने में मुख्तलिफ वुजरा के साथ मिलकर शहर में चाइना कटिंग करते फिरे, तो इनके दिल में लगता है कि बिल्कुल इनके सीने में दिल नहीं है। और अब इनके इनकी हिम्मतें इतनी हो गई हमारी बेइज्जती की वजह से कि आकर ये अल्लाह के घर को शहीद कर रहे हैं, मुनदिम कर रहे हैं, किसी सूरत भी इसको कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि इसको फौरी नोटिस लेकर जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करें, मुकदमा चलाएं और इसकी तामीर मस्जिद की दोबारा शुरू हो।